और ज़िक्र जमील जो जारी है वो मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये वो अज़ीम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो उन 313 नफूस कुदसिया में शामिल हैं जो ग़ज़वे बदर में शामिल रहे। ये उन नफूस कुदसिया में शामिल हैं जो 1400 सहाबा सुलह हुदैबिया के मौका पर बैत रिजवान में शामिल रहे। ये उन नफूस कुदसिया में शामिल हैं जो 10,000 का लश्कर जर्रार जब फातह मक्का बनकर मक्का में दाखिल हुआ तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ हम रकाब थे। असाबिकून अव्वलून में आपका शुमार होता है, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ इनका यह है कि आप मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप तमाम गज़वात में शामिल रहे और फिर न सिर्फ करीम आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन खिलाफ़ राशिदा के अंदर भी जिहाद में अब सफ़े अव्वल में नजर आते, तो उसी का हसीन जिक्र जारी है। और इस जिक्र जमील के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब जलवा फरमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खुश आमदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो सबसे बड़ा शरफ है वो मेज़बान रसूल होने का है। 6-7 माह सरकार दो आलम की सोहबत में रहे, कुरब में रहे। आप अंदाजा करें कि 3 दिन कुरब मिला सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो जनाब करीम आका की जब हिजरत फरमाई और आप मदीना तय्यबा में आए तो लोग पहचान नहीं सकते थे कि आका कौन है और गुलाम कौन है। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर तान ली और सरकार दो आलम के ऊपर ओढ़ ली ताकि पता चले जो चादर लेके खड़ा है वो आका का गुलाम है, जो चादर के नीचे है वो इमामुल अंबिया है। तो आपको ये एजाज हासिल रहा, 7 माह कुर्ब मुस्तफ़ा आपको रहा, फिर आप हर गजबे में साथ रहे, हर जगह सरकार की हमरकाबी रब कायनात ने आपको अता फरमाई। पिछले प्रोग्राम में किबला मुफ्ती साहब ने बड़ा प्यारा जिक्र फरमाया था कि जब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार की बारगाह में खाना पेश करते, जहाँ जहाँ करीम आका अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियाँ लगाते सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं मुकामात को चूमते चूसते और वहीं से हाल लगा लगा कर आप खाना तवर फरमाते। मुफ्ती साहब बड़ा प्यारा जिक्र था और बड़ा खूबसूरत जिक्र था जब आपने इख्तिताम किया सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेज़बान मुस्तफ़ा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वला आलिहा अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बिला शुबा आपका जो सबसे बड़ा शरफ जी और जो एजाज था वो मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी हवाले से आप जाने और पहचाने जाते हैं। इसी हवाले से आपका नाम नामे इसमें ग्रामी आते ही अकीदत से निगाहें झुक जाती हैं अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, और यही आपका तुर्रा इम्तियाज है। इसी हवाले से आप अमर हो गए जी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मेज़बानी जब आप करते रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके घर को शरफ बख्शा जी, वहाँ क़याम फरमाया, वहाँ सुकूनत इख्तियार की, तो जाहिर है सुबह शाम अल्लाह आप खिदमत मुस्तफ़ा में रहते थे, हर वक्त आप मुस्तैद रहते थे अल्लाह अकबर, और हर वक्त आप मुंतजर रहते थे सुभानअल्लाह के कब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब फरमा लें, कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। खाना पीना सारा एहतमाम इंसराम वो आपके सुपुर्द था सुभानअल्लाह। तो वही बात के खाना रदे वो अय्यूब अंसारी बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते, कभी कभार ऐसा होता था जी कि दीगर अंसार की तरफ से भी आ जाता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाना बच जाता वो वापस भिजवा देते हजरत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी आलिया उम्मे अय्यूब अंसारिया जी, वो फिर उसी में से तनावुल कर लेते। और ख़ास तौर पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी तो एहतमाम करते इस बात का अल्लाह अकबर, और पूरी तवज्जो से जहाँ जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अकदस आपकी मुबारक उंगलियाँ लगी होती थी उन्हीं के ऊपर रखते। ये
ایک اضافی تبرک تھا جو حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس حوالے سے یعنی آپ یوں سمجھ لیں جی کہ اتنا وہ رنگے گئے اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جی کہ ان کی اپنی پسند کچھ نہ تھی, جو آقا کو پسند تھا وہی انہیں پسند تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب چیز تھی وہ انہیں محبوب تھی, جو میرے آقا کو ناپسند تھی وہ انہیں ناپسند تھی. بے شک اسی پر